बचपन से हम सुन रहे हैं दोस्तों, नॉलेज बड़ा इम्पोर्टेंट है, नॉलेज होगा तो ये हो जाएगा, नॉलेज होगा तो वो हो जाएगा। नॉलेज इम्पोर्टेंट है नो डाउट, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी है लाइफ में कि नॉलेज होने के बावजूद भी आप वो नहीं बन पाएंगे जो एक्चुअल में आप डिजर्व करते हैं बनने पर। दोस्तों बात करते हैं, आज का टॉपिक इसी बारे में है कि क्या नॉलेज से भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। लोग कहते हैं ज्ञान होगा तो सब कुछ हो जाएगा। एकेडमिक लाइफ की बात करें, स्कूली शिक्षा की बात करें, कॉलेज लाइफ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज। नॉलेज नहीं होगा तो आप उन एग्जाम्स को पास नहीं कर पाओगे। लाइफ में क्या नॉलेज की उतनी इंपॉर्टेंस है, बात करते हैं। सोचिए दोस्तों, एक गांव है जहां पर बहुत टाइम से सूखा पड़ा है और पानी नहीं है, और उसके 20, 25, 30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत सारा पानी है। सोचिए वो नदी के अंदर जो पड़ा हुआ पानी है वो ज्ञान है, और जितने भी लोग हैं वो अज्ञानी हैं उस गांव के। क्या वो ज्ञान उनके काम आ जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो पड़ा है ना, चाहे कहीं और है पर ज्ञान तो पड़ा है, उनको पता है ये ज्ञान है। वो तब तक उनके काम नहीं आएगा जब तक वो उस ज्ञान को उनके गांव में नहीं ले आते, तब तक वो उस पानी को उनके गांव में नहीं ले आते कुछ पाइपलाइंस के जरिए। यही चीज आज हम समझने वाले हैं कि नॉलेज से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं बताने वाला हूं नॉलेज से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जब एक बच्चा उठना चाहता है जल्दी और उठ नहीं पाता है, उसको लग रहा होता है कि यार मैं उठ क्यों नहीं पाता, मुझे पता तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना जरूरी है, मॉर्निंग में जल्दी उठने से मेरी सारा पूरा दिन भर का स्केड्यूल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको सब कुछ पता है, मतलब नॉलेज तो है, इंफॉर्मेशन तो उसके अंदर है, पर फिर भी वो क्यों नहीं उठ पाता, उसके पीछे कारण क्या है। एक आदमी या एक पर्सन या एक औरत, एक महिला, कोई भी जो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, जब वो गुस्सा कर देते हैं, जब वो कुछ किसी को गलत बोल देते हैं, जब उनको पता नहीं होता किसी को गलत बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी के सामने तेज चिल्ला के बोलना गलत है, उनको नॉलेज तो होता है पर वो वहां पर काम क्यों नहीं आता। एक इंसान जब गाड़ी चलाता है उसको पता होता है अगर मैं बहुत तेज गाड़ी चलाऊंगा, गलत तरीके से गाड़ी चलाऊंगा या किसी के कट लगाऊंगा तो मैं गिर सकता हूं, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। आए दिन न्यूज़पेपर इन्हीं तरीके के एक्सीडेंट से भरे होते हैं और उसको नॉलेज तो होता है। ऐसी क्या चीज है जो नॉलेज से भी पावरफुल है और आज के टाइम में वो लोगों को बर्बाद कर रही है? जब बच्चे फेसबुक चलाते हैं उनको नहीं पता होता कि मैं जो ये फोटोग्राफ डाल रहा हूं, मैंने 200 फोटोग्राफ्स खींचे और उनमें से मैं 2-3 फोटोग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूं और डाल रहा हूं, उसमें मेरे 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं क्या? उनको नहीं पता ये गलत बात है, ये गलत चीज है, पता होता है पर फिर भी वो करते हैं। उसका कारण क्या है? वो कारण है उनकी हैबिट्स। यस, हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका नॉलेज कितना ही पारंगत हो, आपके अंदर कितना ही अच्छा नॉलेज हो, अगर आपकी हैबिट सही नहीं है, आपकी हैबिट में है मुझे गुस्सा करना है, आपको नॉलेज है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर आप जब पॉइंट आएगा गुस्सा करने का, आप गुस्सा करेंगे, आप गलत शब्द बोलेंगे, बाद में आप सोचेंगे, आपका नॉलेज आपको बोलेगा मैंने गुस्सा क्यों कर दिया। तो यह समझना बड़ा जरूरी है। आपकी हैबिट्स जो होती है वही आपको बना सकती है, वरना नॉलेज तो सबको है। आज सुबह जल्दी उठना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, सारे शुड के यूज हमको पता है। करता है क्या कोई? करते हैं वही लोग जिनकी हैबिट में है वो चीज। गुस्सा कंट्रोल रखना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमको सबको पता है, नॉलेज तो सबको है ना इस चीज का, इस तरीके की इंफॉर्मेशन सबके अंदर है। कितने लोग कर पा रहे हैं उसको? नहीं कर पा रहे। कारण क्या? नॉलेज नहीं है क्या? ज्ञान नहीं है? ज्ञान है पर हैबिट्स नहीं है। हैबिट किसकी है? सोने की, दिन में सोने की, रात में सोने की, लेट उठने की। पता है पढ़ाई करना जरूरी है पर पढ़ाई ना करके चैटिंग करने की। तो फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी हैबिट्स के अंदर उस नॉलेज को नहीं लाएंगे तब तक ना तो भारत में सुसाइड रुकने वाले हैं और ना ही हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी प्रोजेक्ट अच्छे लेवल पे चलने वाला है। कारण यह है कि हमको नॉलेज सब है,
सफाई रखनी चाहिए, पर हैबिट्स है रैपर को सड़क पर डालने की। तो ये बहुत छोटी छोटी चेंजेस है, अगर हम ये करते हैं तो भारत देश विदेश पूरा ब्रह्मांड बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी हैबिट्स के दम पर। जो बड़े बड़े लोग थे क्या वो थकते नहीं थे? क्या उनको नींद नहीं आती होगी? पर उनकी हैबिट में क्या था? काम करना। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा मैं वर्कहोलिक हूं। क्या होता है वर्कहोलिक का अर्थ? मेरे अंदर मेहनत जो है वो बस गई है, मुझे मेहनत करना अच्छा लगने लग गया है। कुछ लोग मेहनत करते हैं अपने आप को कोसते हुए, अपनी किस्मत को कोसते हुए, मुझे इतना काम क्यों करना पड़ता है, मुझे ही इतना काम क्यों करना पड़ता है, वो तो नहीं करता, उसको तो मुझसे ज्यादा मिल रहा है। एक पर्सन है जिसको मिल रहा है कम या ज्यादा, वो नोटिस ही नहीं करता, उसको मतलब है कि मुझे काम करने को मिल रहा है और मैं इसी के लिए जी रहा हूं। ये क्या है? उसने हैबिट में डाल लिया मेहनत को। एक बच्चा जो 12th क्लास में 95% लाता है, क्या गारंटी है वो जिंदगी के बोर्ड एग्जाम में भी 95% ले आएगा? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अगर हैबिट में है मेहनत करना, उसने इसको हैबिट बना लिया है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो कुछ बड़ा बन जाए। उसको नॉलेज है कि हाँ मेहनत करनी चाहिए, पर मुझसे होती नहीं, तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, कंक्लूसिवली केवल यही कहना चाहूंगा कि अपनी हैबिट्स जो हैं, चाहे 10 हैबिट्स रखें, 5 हैबिट्स रखें, नॉलेज आप कितनी भी बातों का रख लें, जब तक वो हैबिट्स में नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। हर सुसाइड करने वाले को पता था नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, हार नहीं माननी चाहिए। क्या उसने कभी लाइन ही नहीं सुनी थी? उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है दुनिया में, पर उसने सुसाइड किया। क्यों? नॉलेज तो था पर हैबिट क्या थी? हार मानने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको पता होता है, आई कीप मोटिवेटिंग देम, पर वो बात बात पर डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? हैबिट क्या है डिप्रेस होने की और नॉलेज क्या है डिप्रेस ना होने की। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमको समझना होगा, और अगर हम इसको करते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, भारत बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्व बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।